गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण यादव बीएल मिडिल स्कूल से आज आप लोग के लिए मैथ फोर्थ का लेकर आया हूँ। अब हम पिछली कक्षा में एक्सरसाइज एक के क्वेश्चन नंबर आई तक पढ़ लिया था, आज जी हम पढ़ेंगे। जी क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, मतलब जितने क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा गया है नीचे ए बी सी, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है। व्हाट कम्स बिफोर, नंबर लिखा है 3850, यानी 3850 के पहले कौन संख्या आती है इसी को लिखना है। तो इसके पहले कौन संख्या आती है देखिए बताते हैं। सबसे लास्ट नंबर लिखिए क्या लिखा है 50, यहाँ 3850 लिखा गया है। तो 50 से पहले कौन संख्या आती है हम देखते हैं, 50 के पहले 49 आती है। तो हम क्या करेंगे 3850 के पहले कौन संख्या आएगी हमारी 3849, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं बी क्वेश्चन पे, ये कह रहा है व्हाट्स कम्स आफ्टर 8400, यानी कि 8400 के बाद से कौन सी संख्या आएगी जस्ट, मतलब एक कदम आगे। हम जानते हैं कि यहाँ जीरो के बाद क्या आता है वन आता है, और यहाँ क्या लिखा गया है 8400 वाली कौन सा क्या आएगी 8401, यानी यहाँ अगलेस क्या हो जाएगा 8401, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब आता है व्हाट कम्स इन बिटवीन, यानी बीच में कौन संख्या आएगी इन दोनों संख्या, यानी 8375 और 8377 के बीच में कौन संख्या आती है। तो काउंट करते हैं, यहाँ लिखा है 75 और यहाँ लिखा है 77, और ये दोनों नंबर आगे वाले क्या हैं देख रहे हैं दोनों सेम है। हम बोल लास्ट वाले दोनों नंबर देखेंगे क्या है, यहाँ पे 75 77, अब इसी के दोनों के बीच में कौन संख्या आती है देखते हैं। तो 75 75 बोल कहता है 76 77, हमको बीच की संख्या लिखनी है दोनों के, क्या हो जाएगा 8300 और इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी 76, ये हमारा क्या हो गया आंसर। और इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और आगे एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।